Hello children, you can reach up to me through this email ID that's there on your screen. That's creativesbyrachna@gmail.com for any sort of query that you have. So in this video, I'm going to talk about adornment. Adornment is beautification of self. अपने आप को और beautiful, सुंदर कैसे बना सकते, right? अब वो दो चीज़ों से हो सकता है. वन इज थ्रू क्लोथ्स एंड टू इज थ्रू बॉडी. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड इट इंटू टू पार्ट्स, अडॉर्नमेंट थ्रू क्लोथ्स एंड अडॉर्नमेंट थ्रू बॉडी. हाउ वी कैन ब्यूटिफाई आवर सेल्व्स, दैट इज आवर बॉडी एंड आवर क्लोथ्स. सो एंशिएंट टाइम से ये जो है ये मेरा सिस्टम चला आ रहा है of beautification, that is how we can adorn ourselves, how we can look beautiful with the help of clothing and by making some changes in our body, how we can look beautiful. So the prime function of clothing, kya hai clothing ka sabse most important function, humne learn kiya protection, yeah, in other words we can say self protection. उसके बाद में हमने दूसरा जो है पर्पस लर्न किया, दैट वाज रिचुअल्स. एंड देन दिस इज द थर्ड वन, दैट इज अडॉर्नमेंट. सो सेल्फ प्रोटेक्शन पहला हुआ क्लोथिंग का. उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन और इंडिकेशन ऑफ सोशल स्टेटस. आप सोसाइटी में कहाँ प्लेस्ड है ये भी सिग्निफाई करते हैं आपके क्लोथ्स. वेदर यू आर रिच पुअर, हाउ वेल्दी यू आर, क्लोथ्स ऑल्सो इंडिकेट योर एज. एंड दैट इज वाई जो डिजाइनर्स होते हैं वो हमेशा रिसर्च करते हैं किस एज ग्रुप के लिए हम काम कर रहे हैं और उनके लिए कैसा कॉस्ट्यूम हम डेवलप कर रहे हैं. Then occupation of individuals, कि आपका profession क्या है. So ये सारे factors हैं that are responsible for making us look beautiful or adorning a particular set of clothing. पहले की जो सोसाइटीज थी, ट्राइब्स थी, प्रिमिटिव मैन थे. सो आई वुड गिव दिस अ हेडिंग एज प्रिमिटिव मैन. और अनदर थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट इज ट्राइब्स. सो ट्राइबल सोसाइटीज. अब यहाँ पे लोग कैसे अडॉन करते थे अपनी क्लोथ्स के थ्रू, वो लोग कुछ आइटम्स ऐड करते थे अपनी क्लोथिंग में. जैसे दे यूज टू आइदर ऐड सीड्स या फिर सी शेल्स. अपनी क्लोथिंग को ब्यूटिफाई करते थे किसी भी चीज़ से, कुछ वुड एज इन जैसे वुडन बटन्स होते हैं, ऐसे कुछ वुडन पीसेस उस पर प्लेस करते थे. दे यूज टू प्लेस प्रेशियस स्टोन्स ऑन देयर आइटम्स ऑफ क्लोथिंग. प्रीवियस वीडियोज में हमने ये भी स्टडी किया एनिमल पार्ट्स को वो ऐड करते थे, जैसे उसके क्लॉज, टीथ, हूव्स, बोन, फर, फेदर. ये सब एनिमल के बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको वो यूज करते थे अपनी क्लोथ्स पे. इवन आज भी ट्राइब्स तो आज भी यूज करती हैं. फिर कुछ बेसिक कोई कलर ऐड कर देते थे वो उसमें. अगेन नेचर ड्रिवन होते थे, इनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते थे. कुछ टेक्सचर स्पेसिफिकली ऐड करते थे अपनी क्लोथिंग पे, या उसकी कुछ शेप जो सिलोवेट होता था वो कुछ डिफरेंट रखते थे, जिससे कि दे यूज टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट.
अब इसके अलावा उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी लर्न करी थी. सो मैंने ये डिवाइड किया हुआ शीट को दो पार्ट्स में, तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग के बारे में ही लिखूंगी या क्लोथ्स के बारे में. सो क्राफ्टिंग मटेरियल उन्होंने क्या डेवलप किया, बिकॉज वो यूज करते थे जो भी मटेरियल नेचर से अवेलेबल होता था. सो सबसे पहला मटेरियल जो उनको मिलता था जिससे कि वो यूज करते थे वो था एनिमल स्किन. सो टैनिंग ऑफ हाइड्स ये उन्होंने खुद इन्वेंट किया था कि कैसे उसको क्लीन करना है, कैसे उसको रबिंग करनी है, मास्टिकेशन और कैसे उसे यूज करना है टू डेवलप अ पीस ऑफ क्लोदिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव्स, सो वीविंग टेक्निक क्राफ्टिंग टेक्निक है जो उन्होंने ही इन्वेंट करी थी. फैब्रिक डाइंग एज इन उसको कलर कैसे करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है, ये सब टेक्निक्स क्राफ्टिंग टेक्निक्स में आती हैं दैट आर यूज टू डेकोरेट क्लोथिंग. दिस वॉज ऑल डन बाय द प्रिमिटिव मैन, नोबडी टॉट देम, किसी ने सिखाया नहीं था, बट दे डिड इट थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो क्लोथ्स थे वो प्रैक्टिकल क्लोथिंग नहीं थी. वो क्लोथ्स ना तो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते थे और ना ही उसकी अच्छी वेयरेबिलिटी थी, मतलब उसको हम ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन पाते थे, प्रैक्टिकल गारमेंट्स नहीं थे. देन अपार्ट फ्रॉम दिस दे वर वेरी एग्जैजरेटेड गारमेंट्स टू. एग्जैजरेटेड मतलब अगेन उनमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं था. स्कर्ट्स थी तो इतनी ब्रॉड थी, लेयर्स वाली थी. देन शूज थे तो अगेन वो इतने लॉन्ग टो वाले थे. सो एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर है पावलिन का. पावलिन क्या था, पावलिन बेसिकली एक शू था, फुटवेयर था जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था. इसका जो टो था वो काफी एग्जैजरेटेड था. टो कितना एग्जैजरेटेड था, 6 inches टो था कॉमन पीपल के लिए, कॉमनर्स के लिए, 12 inches जेंटलमैन. जेंटलमैन आई शुड से द पीपल हु यूज्ड टू बी वर्क इन द कोर्ट. एंड 24 inches वाज बेसिकली फॉर नोबल पीपल और रॉयल्टी और रॉयल पीपल. ओके, अब जब एग्जैजरेटेड टो था तो कॉमनर्स को तो काम करना होता था, उनका 6 inches होता था. कोर्टियर्स जो होते थे उनको कोर्ट में बैठना होता था, उनका 12 inches होता था. और जो नोबल क्लास होती थी, रॉयल्टीज होती थी, उनको हेल्प करने के लिए उनको काफ़ी सपोर्ट स्टाफ होता था आई शुड से. सो दे हैड इट फॉर 24 inches. अब जितना लंबा लेंथ होता था टो का उसको बेसिकली या तो हैंड में होल्ड करना पड़ता था या फिर दे यूज टू टाई इट एट द बैक ऑफ एंकल. पैर के बैक साइड पे टाई करते थे किससे, रिबन की हेल्प से. सो दिस इज हाउ दे यूज टू वियर दिस पर्टिकुलर शू. Now see, this is the picture of a pavilion. This is how it used to look. So if you see, इसका जो toe है वो इतना बड़ा था, इतना लंबा होता था, that it used to be really uncomfortable for the person wearing it. So after pavilion, the next example was that of breeches. अब breeches exactly क्या थे? Breeches थे tight trousers, I should say. बहुत ही tight होते थे ये trousers. और पैंट्स और ट्राउजर्स. एंड इनका क्या पर्पस था, ये पहनता था जब जो भी इंडिविजुअल पहनता था, इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन सिट डाउन. सो वेरी टाइट पैंट्स और ट्राउजर्स ये सेकेंड एग्जैजरेटेड आइटम ऑफ क्लोदिंग का एग्जाम्पल है. थर्ड एग्जाम्पल है विक्टोरियन कॉर्सेट. अच्छा हाँ,
ये ब्रीचेस थे ये 18th सेंचुरी में पहने जाते थे. ओके, विक्टोरियन कॉर्सेट वॉज डेवलप्ड और वॉज वोन इन 19th सेंचुरी. अब इसका क्या पर्पज था? ये क्रिएट करता था एक टाइनी वेस्ट साइज. सो द लेडी हु यूज्ड टू वियर, उसका जो वेस्ट साइज था वो बहुत ही कम दिखता था इससे. व्हाट वाज दिस? इट वाज अ काइंड ऑफ अ क्लोदिंग दैट वाज वोन अंडर द गाउन. और इससे क्या होता था, प्रॉब्लम आने लगी उनकी बॉडी में. दैट वाज उनके जो रिब केज था वो इतना ज्यादा टाइट होने लग गया दैट उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होने लग गया. एंड देन इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड अ सिंपल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में भी उनको डिफिकल्टी आने लगी बिकॉज उनका जो रिब केज था वो काफी टाइट होने लग गया. आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ अ कॉर्सेट. सो दिस वॉज द कॉर्सेट दैट दे यूज टू वियर. और इससे उनका जो वेस्ट बैंड है वो बहुत टाइनी वेस्ट लगता था. बट इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वियर दिस थ्रू आउट द डे. आफ्टर दिस द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ पेनिया. पेनिया बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता था, एक फ्रेम होता था, वुडन फ्रेम या फिर यू नो इट वॉज मेड ऑफ मेटल ऑल्सो. बट उसका पर्पज क्या था, उसमें हुप्स बने होते थे तो स्कर्ट के नीचे वो पहनते थे. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. सो उससे जो था उनका जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो काफ़ी ब्रॉड दिखता था. सो 18th सेंचुरी में एक तो जो यूरोप में स्कर्ट्स बनी थी, दोज स्कर्ट्स वर लाइक विमेन स्कर्ट्स. इट हैड मल्टीपल लेयर्स इन इट. अब बहुत ज्यादा लेयर्स होती थी, अगेन इट यूज टू बी अनकंफर्टेबल फॉर देम टू वॉक. Then they also had pannier that was basically a frame. This was a frame that was worn around the waist. और इसके ऊपर फिर वो अपना dress पहनते थे, gown पहनते थे. And it used to give them a very broad hips and the lower part of the body looks used to look really broad. So let us now check out the picture of a pannier too to understand it in a better manner. So ये pannier का एक frame था जो उनके waistband के around वो लोग पहनते थे और इसके ऊपर वो अपना gown पहनते थे. तो उससे वो जो sides थी उनकी body की वो broad दिखती थी. Check this out as well. इसमें कितना broad दिखता है lower part body का. अब उसमें फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा लगता है, ऑब्वियसली एक्ट ऑफ मूवमेंट वॉज नॉट ईजी. एंड थर्डली डोर्स भी इतने ब्रॉड बनाने पड़े थे उन लोगों को जिससे कि ईजिली ये विमेन कुड पास थ्रू दोज डोर्स. नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज अडॉर्नमेंट थ्रू बॉडी. अब बॉडी को अडॉर्न करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं. फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड एज बॉडी मॉडिफिकेशन. We will do them all in detail. First, let us understand what all techniques can be used here. Second is scarification. I will show you pictures also of each one of them to understand them in a better manner. Third is tattooing. And the fourth one is body painting. अब ये सारी चीज़ें बॉडी पे ही करते हैं उसको ब्यूटिफाई करने के लिए. सो सबसे पहला है बॉडी मॉडिफिकेशन. सो बॉडी मॉडिफिकेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मॉडिफिकेशन इज अ चाइनीज फुट. और इसका दूसरा नाम है लोटस फुट और लोटस फीट. अब इसमें क्या करते थे, ये एक टेक्निक है जो अब
अबॉलिश कर दिया है, अब ख़त्म कर दिया है. बट इसका पर्पस क्या था? चाइनीज वेमेन एज दे आर वेरी शॉर्ट, सो टू लुक टॉल व्हाट दे यूज टू डू वर्स, वो लोग बचपन से ही गर्ल्स का जो फीट था उसको टाई कर देते थे, टाइटली टाई करते थे, जिससे कि एक छोटा सा हील क्रिएट हो जाती थी. और अल्टीमेटली क्या होता था, उनका जो फीट था उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया, शेप खराब हो गया, उनकी जो बोन्स है वो बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई, उनकी जो फिंगर की टोज टो फिंगर्स है वो भी टेढ़ी हो गई. एंड स्लोली यू नो दे गॉट सिक बिकॉज ऑफ दिस. तो इसीलिए ये टेक्निक अब अबॉलिश कर दिया है. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ अ लोटस फुट. सो दिस इज अ लोटस फुट एंड दिस इज हाउ ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी अ नॉर्मल फीट हाउ इट लुक्स एंड ऑन द राइट साइड व्हेन इट इज टाइड व्हेन इट इज बाउंड एंड मेड अ लोटस फुट कैसे उसके फिंगर के टो जो है टो फिंगर्स वो कैसे डिस्टॉर्ट हो जाती है. लोटस फुट के बाद में जो नेक्स्ट है वो है सर्कुलर लिप प्लेट्स. लिप प्लेट्स बेसिकली सूडान में काफी ट्राइब्स हैं जो ये फॉलो करती हैं, अभी भी पहनते हैं वो लिप प्लेट्स. एंड वन ऑफ देम इज किचेपो वुमेन. ये इन लिप प्लेट्स को पहनते हैं एंड बिकॉज उनको ये हैबिट हो गई है लिप प्लेट्स को पहनने की, सो अगर वो इसको नहीं पहनते दे फील लाइक दैट दे आर नॉट रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस, बिकॉज उनके लिप्स ही अब इतने खराब हो गए हैं कि बिना इन लिप प्लेट्स के वो बाहर जाते हैं तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगता. दे डोंट लाइक गोइंग आउट विदाउट प्लेसिंग दीज लिप प्लेट्स. सो लेट अस नाउ चेक आउट हाउ दीज लिप प्लेट्स लुक लाइक. सो ये देखो, ये लिप प्लेट्स ऐसी दिखती है. ऐसे लिप प्लेट होता है वुडन जिस सर्कुलर, और उसको वो अपने लिप के अंदर प्लेस कर देते हैं. ये देखो ये साइड से हाउ इट लुक्स एंड द ईयर आल्सो, ईयर प्लेट्स आर आल्सो प्लेस्ड एंड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस नाउ इट डजंट लुक ग्रेट बट स्टिल पीपल आर वियरिंग इट. इसके बाद में थर्ड बॉडी मॉडिफिकेशन. बॉडी मॉडिफिकेशन बिकॉज इसमें बॉडी मॉडिफाई हो रही है उनकी, जिस पार्ट में वो ये चेंज ला रहे हैं वो बॉडी का पार्ट चेंज होता जा रहा है. एंड नाउ इवन इफ दे वांट कि वो वापस वैसा नॉर्मल हो जाए तो वो नहीं हो सकता. दूसरा वाला है आर्टिफिशियली इलोंगेटिंग नेक्स. सो नेक रिंग्स है जो अभी भी काफ़ी जगह पे यूज करे जाते हैं, जैसे कि पडवांग ट्राइब जो है, जिन लोगों को हम कयांस भी बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो गर्ल्स की जो नेक है बिकॉज वो लोग भी काफी शॉर्ट होते हैं, सो क्या करते हैं, हाइट लंबी लगे उसके लिए दे स्टार्ट प्लेसिंग नेक रिंग्स अराउंड द नेक. सो विद दिस दीज गर्ल्स एवरी ईयर ऑन देयर बर्थडे वन रिंग इज एडेड, सो देयर नेक इलोंगेट्स. और ये ब्रास के रिंग्स होते हैं जो प्लेस करते हैं. सो लेट अस नाउ चेक द पिक्चर ऑफ दीज रिंग्स. सो दिस इज वन ऑफ एन ओल्ड लेडी. नाउ सी एवरी बर्थडे एंड अ रिंग इज एडेड, एवरी ईयर वन रिंग इज एडेड एंड लुक हाउ हर नेक इज लुकिंग. ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये गर्ल है, यंग गर्ल, अगेन अराउंड हर नेक सो मेनी नेक रिंग्स हैव बीन प्लेस्ड. ब्रास की नेक रिंग्स होते हैं, परमानेंटली प्लेस हो जाती है, उतर नहीं सकती. सो थ्रू आउट देयर लाइफ यू नो दे हैव टू कैरी दिस विद देम. सो दिस दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ नेक रिंग दैट्स देयर इन योर बुक एंड दिस इज ऑफ लिप प्लेट दैट्स अगेन फ्रॉम योर CBSE बुक. सो आफ्टर मॉडिफिकेशन नेक्स्ट इज स्कारिफिकेशन. स्कारिफिकेशन इज फ्रॉम द वर्ड स्कार्स. सो स्कार्स बॉडी के ऊपर कुछ कट मार्क्स बना के, कुछ पैटर्न्स बना के, मोस्टली ये चीज़ें होती हैं अगेन ट्राइब्स में और अफ्रीकन
ट्राइब्स में आई शुड से दिस इज लार्जली ऑब्जर्व्ड. अब वो स्कार्स बॉडी के ऊपर बनाते हैं और उसमें क्या होता है, जब ये स्कार्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो पेनफुल होता है. एंड देन व्हाट दे डू इज दे यूज नेचुरल स्किन इरिटेंट्स. अब इनका क्या पर्पस है स्किन इरिटेंट्स का? स्किन इरिटेंट्स बेसिकली हेल्प करते हैं जो स्कार्स होते हैं उनको हील करने में, जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. बट स्कार्स वहाँ पे मेंटेन्ड रहे, उनके जो मार्क्स हैं वो मेंटेन्ड रहे. और ये कहाँ पे करते हैं ये स्कार्स? ये उनके फेस पे कर देते हैं या फिर बॉडी पे, पूरी बॉडी पे कर देते हैं, जिससे कि यू कैन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन ट्राइब टू द अदर. सो मेंबर्स जो एक ट्राइब के हैं वो दूसरे ट्राइब से अलग दिखते हैं. सो वो उससे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए वो ये स्कार्स बना देते हैं. सो आई विल नाउ शो यू द पिक्चर ऑफ दीज स्कार्स. सो दिस इज वन. ऐसे बॉडी पे पूरा टॉर्सो पे उन्होंने ये स्कार्स बना दिए. लेट्स जस्ट गो क्लोजर टू सी हाउ बैडली दीज स्कार्स आर डन. बट दिस इज ओनली फॉर डिफ्रेंशिएशन. जैसे कि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? यू गेट टू नो थ्रू दीज स्कार्स. आफ्टर बॉडी स्कारिफिकेशन नेक्स्ट इज बॉडी टैटूइंग. टैटूज जैसे कि हम लोग भी जानते हैं आजकल बहुत पॉपुलर है. सो ये टैटूज वी हैव नॉट इन्वेंटेड, बट दीज ट्राइब्स हैव एक्चुअली इन्वेंटेड दिस. और इसमें क्या करते हैं वो लोग, कलर को, किसी पर्टिकुलर डाई कलर को स्किन को पंचर करके उसके अंदर वो प्लेस करते हैं. अब देर आर मेनी ट्राइब्स एंड पीपल हु आर इवन टुडे यूजिंग बॉडी टैटूइंग फॉर द ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम वन ट्राइब टू द अदर. सो फर्स्टली टैटूइंग वॉज यूज बाय थ्रेसियंस. और ये जो लोग थे थ्रेसियंस, ये लोग यूज करते थे रैंक को इंडिकेट करने के लिए कि ये लीडर है ट्राइब का, तो उसका ये वाला कलर से उसका टैटू बनेगा, ये कॉमनर है तो उसका इस कलर से बनेगा. दैट इज हाउ. सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ ट्राइब्स इन टैटूज को अपनी वॉर यूनिफॉर्म्स के जैसे यूज करती है, जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब को. फिर इसके बाद में देर इज अ मेंशन ऑफ द मेओरिस ऑफ न्यूजीलैंड. अब ये लोग कैसे टैटूज बनाते हैं? ये लोग बड़े बड़े से फेस पे फेशियल टैटूज बनाते हैं. और पर्पस क्या है? अगेन डिस्टिंक्शन, एक इंडिविजुअल से दूसरे को डिफरेंशिएट डिस्टिंक्शन करने में, और दूसरा उसका जो स्टेटस है एस्टीम को इंडिकेट करने के लिए. इंडिया में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो टैटूज को बनाती हैं बॉडी पे. एंड इफ यू मूव टू ट्राइब्स, देर आर लॉट्स ऑफ ट्राइब्स इन Andaman and Nicobar Islands. So when you talk to people about them, you get to know that yes, they also go for either tattooing or scarification. So but in today's modern society, we wear tattoos as a mark of as a style feature, I should say, for personal adornment. And it indicates basically the manner in which one wants to present himself or herself. अब Japanese का Yakuza people होते हैं Japanese people, जो tattooing को symbolic मानते हैं कि not everybody and anybody can do it, but कुछ proper symbols हैं जिसको हमें follow करना चाहिए when we go for tattooing. But as I said, Western society, bikers, sailors, commoners, everybody, anybody can actually go for tattooing.
So now the last one in body adornment is body painting. Body painting basically includes largely face painting. But इसमें बॉडी को भी पूरा पेंट किया जाता है और इसका एक सीक्रेट रिचुअल है एंड एज पर दैट वी फॉलो बॉडी पेंटिंग. अब एग्जाम्पल दैट्स गिवन हियर इज ऑफ कॉन्गोलीज ट्राइब्स. अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो गर्ल्स होते हैं ना, वो एक ऑयल अपनी बॉडी पे प्लेस करते हैं ऑल ओवर और फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर डस्ट करती हैं रेड पाउडर. दिस इज बेसिकली अ कैमवुड पाउडर और इससे दे बिलीव कि दे लुक ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव. जस्ट टू लुक अट्रैक्टिव दे डू इट. सो क्या करते हैं वो कॉन्गोलीज ट्राइब्स में गर्ल्स ऑयल लगाती है देन वो डस्ट करती है रेड कलर पाउडर टू लुक अट्रैक्टिव. अब कुछ व्हेन वी टॉक अबाउट सम नोबल चाइनीज लेडीज वी गेट टू नो कि ये as well as the Japanese geisha girls what they do is they apply heavy face pe kafi heavy makeup karti hain aur jo uska jo powder hota hai na वो किस चीज से बना होता है, उसका जो पाउडर बना होता है वो बना होता है राइस और वाइट लेड से. सो वो इसको अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे फॉर क्रिएटिंग दैट हैवी मेकअप लुक. फिर उसके अलावा नेक्स्ट थिंग दैट्स यू नो फॉलोड फॉर बॉडी पेंटिंग इज रोज पेटल्स को उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं एंड देन दिस पाउडर इज अप्लाइड ऑन चीक्स प्लस इट इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ लोअर लिप जिस जब ऐसे करते हैं चीक्स पे और सेंटर ऑफ लोअर लिप पे तो आपका जो फेस है वो काफी टाइनी सा दिखता है एंड दिस विद दिस इट लुक्स beautiful or attractive to be more precise. And today's industry, today's cosmetic industry, it also takes interest in developing products for women and again the purpose is to make them feel good. And I have a very good example of body painting, that is of the Kathak dance performers who again paint their face as well as their body to indicate body painting or to indicate adornment of body. Thank you.